गुड इवनिंग भाई सबको, गुड इवनिंग, कैसे हैं सब लोग। तो आज जो है अपन जो है सोचिंग पे यहाँ पे दीपक सर के साथ फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, और अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी अपना चैप्टर अपन ने फिनिश कर लिया था। तो अपन ने जैसे लास्ट टाइम पे डिस्कशन किया था कि अगले लेक्चर में अपन क्या करेंगे, सीट डिस्कशन करेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये बताओ किस किसने सीट को सोल्व किया था भाई। जिसने नहीं किया था उसकी तो बात ही नहीं कर सकते, पर जिसने किया है उसको कैसा लगा? मतलब ऐसा तो नहीं लगा ना कि बिल्कुल अपन से क्वेश्चन नहीं बन रहे या दिक्कत आ रही है। तो जिसको भी शीट में जहां भी दिक्कत आ रही है पहले तो वो चीज कमेंट में लिख दो, या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया था तो वो बता दो ताकि अपन उस पर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अपन लास्ट ईयर में आए हुए PYQ ले लेते हैं, और जब तक अपने जो भी क्वेश्चन नहीं बने थे ढूंढ लो और कमेंट में लिख दो ताकि अपन फिर शीट डिस्कशन कर लेंगे। तो कुछ PYQ देखते हैं, सिंपल से आपको लगेगा कि यार सर ये तो बहुत ईजी है क्योंकि अपन ने पढ़ लिया है वो वाली चीज, तो वो ईजी है। देखो मैं बता देता हूँ, पुराना है थोड़ा सा PYQ, लिख देते चलो, है ना। क्या दिया हुआ है आपने को, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 5 ओम, ठीक है, कब है, एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। थोड़ा सा सफाई से लिख देते हैं वरना आप लोग बोलोगे सर ये तो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो अपने को क्या गिवन है कि उसका जो है 5 ओम रेजिस्टेंस है कहाँ पे, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। एंड 7 ओम कहाँ पे, 70 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। देन द मीन टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस द मटेरियल इज, अपने को मेन टेम्परेचर ऑफ कोफिशियंट मतलब जो बोला जाए अल्फा वो पूछा गया है। तो ऑप्शन में अपने को क्या क्या दिया हुआ था, मैंने क्वेश्चन जो है लिखा नहीं है पर आपको बता दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। 0.01 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। बी ऑप्शन था अपने पास 0.004 पर डिग्री सेंटीग्रेड, सी ऑप्शन था अपने पास 0.006 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और डी ऑप्शन जो था अपने पास क्या था, 0.008 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 1996 में आया हुआ है, पुराना है क्वेश्चन। अब एक बार बताओ ये क्वेश्चन क्या अपन नहीं कर सकते क्या भाई? लैंग्वेज तो अपने को दी हुई है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 5 ओम एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 7 ओम 800 डिग्री सेंटीग्रेड, देन द मीन टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। कैसे करेंगे इस वाली चीज को, कि अपन ने एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टी, ठीक है। कैसे पढ़ा था ये वाले, देखो बेसिक से एक एक टाइप सब लेंगे ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सर ये वाला टाइप छूट गया। तो अपन ने क्या पढ़ा था, R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टी, ये वाली चीज अपन ने पढ़ी थी। अब उसने अपने को देखो जैसे अपन को इतना डाटा दिया हुआ है और ऑप्शन अपन से ये पूछे हुए, तो क्या अपन इस वाली वैल्यू पुट करके ये चीज नहीं निकाल सकते? अगर ये दोबारा रिपीट हो जाए या ऐसा कोई टाइप का रिपीट हो जाए तो अपन नहीं निकाल सकते। आर की वैल्यू दी हुई है, 50 वैल्यू दी हुई है, मान लो अल्फा अपन को पहले से दिया हुआ था तो कहीं एक वैल्यू मिसप्लेस कर देता। यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो आर क्या है यहाँ पे, 7, कहाँ पे आर नॉट अपने पास क्या है 5, ठीक है, 1 अपने पास, अल्फा अपने को फाइंड आउट करना है और डेल्टा टी क्या है, इन दोनों का 20 हो गया, ठीक है, हो गया। ये वाली चीज करनी है सिंपल सी। तो अब इसका आंसर लिख के मेरे को एक बार बता दो, किसी को इसमें कुछ पूछना था तो पूछ लो और आंसर लिख के मेरे को एक बार बता दो। थोड़ा सा अपन ने न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज किया है, एक आपको लगे कि सर सेम टू सेम वैसा कर रहे हैं, थोड़ा सा अपन ने यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज किया ताकि आप लोगों को लगे, पता लगे कि नहीं सर डिट्टो ओपन करेंगे। वहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या था, 100 दिया हुआ था, यहाँ पे 50 आ जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर तो वैसे भी लिख दोगे, तो 100 कर लो अगर चाहो तो, क्योंकि फिर उधर अपना वहाँ पे क्या है उसमें चेंज आ जाएगा। तो 100 यहाँ पे था तो अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, कि यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 50 आया मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, क्या कर सकते हैं अपन, 7 माइनस 5 इक्वल टू 5, इधर चला गया तो क्या हो गया 250 अल्फा, और अल्फा अपना क्या हो जाएगा 2 अपॉन 250, ठीक है। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लो, चाहो तो 10^3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लो तो वहाँ से वो आ जाएगा, 4 से कट जाएगा तो 0.008 अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हाई हुई चीज़ें ही हैं जो तुमने की हुई है, वही चीज़ पूछी जाती है। PYQ कोई ऐसा नहीं है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पूछा गया है, तो अगर अपन को शीट में कहीं डाउट था तो फिर वो तो लिख दो ताकि अपन वो डिस्कशन कर लेंगे, नहीं तो फिर अपन नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। शीट की थी बेटा कि नहीं की किसी ने भी,
ये चीज समझ में आई ना कैसे अपन ने वाला चीज की। देखो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अब देखो इसको देखने से अगर मान लो लैंग्वेज को पढ़ के डर जाओगे या ऑप्शन को देख के डर जाओगे तो क्या अपने को पता लगेगा, डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर आएगा, क्योंकि ये सब क्या है कि डिग्री सेंटीग्रेड में डेल्टा टी है, तो वहां से आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव। ठीक है, अपने को क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ अ नेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, तो अपने को क्या दिया हुआ है, वायर ऑफ लेंथ कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं डाटा आपके लिए लिख रहा हूँ, क्वेश्चन पूरा लिखूंगा तो आप लोग कंफ्यूज होगे, या फिर मान लो उसको वो तो पता लग जाएगा आपको, जैसे PYQ की बुक उठाओगे या कहीं से PYQ करोगे देखोगे जिसमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो अपने को लेंथ कितनी दी हुई, 15 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे अपने को कितनी दी हुई है लेंथ, 15 मीटर दी हुई है अपने को। ठीक है, 15 मीटर लेंथ दी हुई है, एंड ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, तो रेजिस्टेंस जो अपने को दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 5 ओम अपने को दिया हुआ है। ठीक है, हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया को अपन क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, जिसकी वैल्यू अपने को क्या दी हुई है, 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। ठीक है, देन द कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिव ऑफ मटेरियल, तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टिव ऑफ कोफिशिएंट मटेरियल फाइंड आउट करना है। ऑप्शन अपने को वही 4 ऑप्शन मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ऑप्शन इसके ए ऑप्शन अपने को क्या दिया हुआ है, और ए ऑप्शन अपने को दिया हुआ है 1 × 10⁻⁷ ओम मीटर। ठीक है, एक ऑप्शन दिया हुआ अपने को बी 3 × 10⁻⁷ ओम मीटर, सी ऑप्शन अपने को क्या दिया हुआ है 2 × 10⁻⁷ ओम मीटर। ठीक है, और डी मान लो नन ऑफ डी, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, क्या इसमें से निकाल सकते हैं अपन। अब सर कोई बोलेगा सर मैं कैसे निकालूंगा, मेरे को क्या पता है। देखो अगर तुम्हें इस चीज का फॉर्मूला भी नहीं आता, पहली चीज तो फॉर्मूला आना चाहिए सर। अपने को निकालना क्या है, आर बराबर रो एल बाई ए होता है, ये सब अपन जानते हैं। किसी को अगर नहीं भी आता, मान लो किसी को केवल 3 वैल्यू दी, क्वेश्चन अपने पास क्या था, ये था, और अपन से क्या पूछा हुआ था, रो पूछा हुआ था। ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ कोफिशिएंट मटेरियल पूछा हुआ था, तो रो अपन से पूछा हुआ था। इस वाली की चीज को करोगे कैसे, अगर मान लो तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, एड दो वहां चले गए। ठीक है, अगर मैं आंसर में देखूं, आंसर में क्या है, सब में ओम और मीटर है, तो ओम तो यहाँ पे मेरे को मिल गया, और मीटर में देखना चाहूँ तो यहाँ पे 2 जगह मीटर मिल रहे हैं। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तब मेरे को मीटर मिलेगा, तो वो वाली चीज ही तो है। अगर यहाँ पे रो में फाइंड आउट करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल, तो क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, और डायरेक्ट अपन निकालना चाहें तो डायरेक्ट तो आराम से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट केवल वैल्यू रखनी है अपने को। तो अपने को क्या निकालना है, रो निकालना है, आर की वैल्यू रख दो, आर की वैल्यू क्या है, 5 ओम। ठीक है, एरिया क्या है मेरे पास, 6 × 10⁻⁷, और एल मेरे पास क्या दी हुई है, 15 मीटर। अब ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि इनकी जो यूनिट होनी चाहिए ना बेटा, सब में सेम होनी चाहिए। मान लो इसको मैं यहाँ सेंटीमीटर दे देता, तो फिर वहाँ पे अपन को 10⁻²² लगाना पड़ता। अगर मैं इसको यहाँ पे मीटर में ले रहा हूँ तो पूरे को अपने मीटर में लेना पड़ेगा। तो यहाँ से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, 3 से कैंसिल आउट हुआ, ये 2 हुआ, तो आंसर अपना क्या आ जाए, 2 × 10⁻²। इतने सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, वैल्यू पुट करना आना चाहिए, और थोड़ी सी हल्की सी कैलकुलेशन आना चाहिए। पर अपन क्या है, डर डर के उसको हावी हो जाते हैं उसके ऊपर, कि सर फिजिक्स तो टफ है, समझ में ही नहीं आती। सिंपल सी फिजिक्स है, बस अप्लाई करना आना चाहिए आप लोगों को चीज़ें, बस अप्लाई करो और सिंपल आंसर निकालो, टिक करके आओ, पूरे में पूरे नंबर पाओ। ठीक है, ज़्यादा कुछ रटने वाला काम ही नहीं है। एक्सेप्शन तो बिल्कुल नहीं है कि सर ये ऐसे हुआ तो ऐसे एक्सेप्शन हो गया, केमिस्ट्री की जैसे एक्सेप्शन नहीं है। और एक बार अपन ने चीज़ समझ ली तो ऐसा भी नहीं है कि रटना ही पड़ेगा, सिंपल सा फॉर्मूला देखा, आंसर किया, और मान लो फॉर्मूला भी नहीं आ रहा, ऑप्शन से भी कई बार जा सकते अपन, वो वाली चीज भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखो PYQ करने से क्या होगा, आपको लगेगा कि सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या सही में, क्योंकि कभी अपन क्या है, लेवल अपन नोट्स में तो ठीक ठाक रख लेते हैं, शीट में कुछ उससे ज्यादा होता है, पर PYQ से पता लगता है ओरिजिनल पी में चीज क्या है। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, आपकी दिमाग को थोड़ा लेवल अप करेगा। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है,
कब का है ये क्वेश्चन? नीट का है 2013 का, ठीक है। टू रोड आर जॉइंट एंड टू एंड एज शोन, ठीक है, फिगर में जैसे शोन है। बोथ हैव क्रॉस सेक्शन एरिया, इनका क्रॉस सेक्शन एरिया अपने को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मैं बात करूँ तो क्या दिया हुआ है मेरे को, 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सबको क्लियर है, ठीक है। ईच 1 मीटर लॉन्ग, तो ये भी 1 मीटर लॉन्ग है और ये भी क्या है, 1 मीटर लॉन्ग, ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपन, 1 मीटर लॉन्ग, वन रोड ऑफ द कॉपर विद द रेजिस्टिविटी, कॉपर जिसकी है उसकी रेजिस्टिविटी, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, रो बोल रहे हैं, रो अपने को क्या दिया हुआ है, वो जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1.7 इंटू 10^-6 ओम, और इसकी यूनिट क्या होगी, ओम मीटर होगी। अब यहाँ पे ओम सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे यूनिट क्या दी हुई है, यहाँ पे यूनिट जो दी हुई है, यहाँ पे यूनिट दी हुई है 1.7 इंटू ओम और सेंटीमीटर, तो यहाँ पे चीज़ें अपने को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, तो ऑटोमेटिक आंसर सेंटीमीटर में आएगा, या भी जो भी अपने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट होगा वो अपन देख लेंगे, ठीक है। ओम सेंटीमीटर, द अदर ऑफ द आयरन रोड रेजिस्टिविटी क्या दी हुई है, इसकी जो अपने को दी हुई है वो दी हुई है 10^-5 ओम सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूछा गया अपन से, हाउ मच वोल्टेज टू रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इन रोड, अपने को यहाँ पे करंट जो प्रोड्यूस करना है वो आई जो है 1 एम्पियर प्रोड्यूस करना है, तो अपने को वोल्टेज की वैल्यू पूछी गई है। अब देखो अच्छा सवाल है कि नहीं है, अब इसको अप्रोच कैसे करोगे वो एक बार ध्यान से सोचो। वोल्टेज अपने को फाइंड आउट करना है जिससे 1 एम्पियर की करंट हो, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना बनना चाहिए, और रेजिस्टेंस के लिए अपने को लेंथ दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, परमिटिविटी दिया हुआ है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करोगे। और दो रेजिस्टेंस जो हैं इनकी लेंथ 1 मीटर है, 1 मीटर है, और एक किस में लगे हुए हैं, आपस में जो है कनेक्टेड है। इस वाली चीज़ को कैसे अपन करेंगे, अप्रोच कैसे करेंगे, सबसे पहले वो देखो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। कुछ दिक्कत है बेटा? नहीं है तो करें फिर, कैसे करोगे इस वाली चीज को? किसी का आंसर आया क्या कमेंट में लिख के, किसी ने आंसर भेजा है क्या? चलो करते हैं सॉल्व इसको। तो सबसे पहले तो देखो, इसमें सबसे पहले अपने को इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि अपने को क्या आना चाहिए, क्या मेरे को इसका रेजिस्टेंस पता है। देखो वोल्टेज अगर निकालना है, V इक्वल टू आई आर होता है, आई उसने मेरे पास गिवन है, ठीक है। अगर मैं वोल्टेज निकालना चाहता हूँ तो मेरे को R निकालना पड़ेगा, सिंपल सा अगर सोचने का तरीका मैं बोलूँ तो R निकालना पड़ेगा। R में कैसे निकाल सकता हूँ, R में जानता हूँ कि R होता है रो एल बाई ए, ठीक है। अगर ये मेरे को पूरा मटेरियल एक जैसा दिया होता तो रो की वैल्यू में रखता, एल की वैल्यू में रखता, ए की वैल्यू में रखता, जिसमें मेरा आर आ जाता। अब यहाँ पे क्या है, इसका कुछ रेजिस्टेंस आर होगा भाई, एक जो है कॉपर का रेजिस्टेंस आर होगा। अब वही रेजिस्टेंस सीरीज में किसके जुड़ा होगा, तो ये अगर मैं आर ऑफ सी यू निकाल लूँ और आर ऑफ एफ ई निकाल लूँ और उन दोनों को ऐड कर दूँ, तो क्या मेरे को आर टोटल आर पता लग जाएगा। और जैसे ही मेरे को टोटल आर पता लगा, वैसे ही मैं क्या करूँगा, 1 से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लूँगा, जो मेरा वोल्टेज निकाल। तो आर ऑफ सी यू को कैसे लिखोगे, आर ऑफ सी यू बताओ। रो एल बाई ए तो सब लोग जानते हैं, क्या रो को मैं ये लिख सकता हूँ, 1.7 इंटू 10^-6। अब देखो वोल्टेज तो मेरे पास किस में आएगा, वोल्ट में आएगा, एम्पियर आएगा। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में रहने देता हूँ तो दिक्कत आएगी, इसलिए इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये वाली चीज़ देख लो पहले आराम से कि इसको मीटर में क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये अपने पास क्लियर होना चाहिए चीज़ें, कि अपने पास क्लियर होना चाहिए कि इसको क्यों मैं मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आर बराबर रो एल बाई ए, रो क्या है मेरे पास, ये है। अब इसको सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा, 10^-2 में लगा, ठीक है। एल लेंथ कितनी है, कि एल लेंथ जो है 1 मीटर है, डिवाइड बाई एरिया, एरिया मेरे पास क्या था, 0.01 था, 0.01 था। अब इसको क्या करूँगा मैं, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करूँगा, भाई मीटर में तो कन्वर्ट करना ही है ना, ठीक है। तो इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, आंसर के करके देख लो भाई, ये क्या हो जाएगा, 10^-6 है, 6 कैंसिल हो जाएगा, 1.7 इंटू 10^-2 मेरे पास आ गया। इसी टाइप से अपन आर ऑफ
जो है सी यू निकाल लिया, अब एफ ई निकाल के बताओ आर ऑफ एफ ई क्या आएगा, निकाल के बताओ कमेंट में, रिप्लाई करो मेरे को भाई। ये तो अपन ने निकाल लिया आर ऑफ सी यू, सेम टू सेम ऐसे आर ऑफ एफ ई भी निकाल के देखो। देखो अगर मैं करूँगा तो तुम लोगों को, मैं तो कर दूंगा, अभी क्या है 10^-5 है, 1 सेम टू सेम आ रहा है, यहाँ से सेंटीमीटर 10^-2 करूँगा, एरिया जो है वैसे ही लिख दूंगा। तो लिखना चाहूँ तो क्या है 10^-5, ठीक है 10^-5 यहाँ पे आया मेरे पास, आर आ गया तो लिख, और इसमें क्या होगा 10^-2 होगा क्योंकि सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करूँगा इसको, और 1 इसका जो है वो आ जाएगा, 1 क्या है इसकी लेंथ है, और डिवाइड बाई 0.01 × 10^-4, ठीक है। यहाँ से -6 हो गया और 5 से हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो इसको करोगे 10^-6 ऊपर गया 10^-1 आ गया मेरा, ये क्लियर है। आर ऑफ एफ ई मैंने निकाल लिया, ठीक है आर ऑफ एफ ई भी निकाल लिया, और आर ऑफ जो है मेरे पास क्या हुआ कि कॉपर वाला भी निकाल लिया। तो डायरेक्ट अब मैं क्या निकाल सकता हूँ कि मैं रजिस्टर निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा रजिस्टर, इसमें अपन ने ऑप्शन नहीं लिए थे क्या, ऑप्शन भी ले लो एक बार, ऑप्शन नहीं दिए हुए, वोल्टेज ही डायरेक्ट पूछा हुआ है, नहीं ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन है 0.117 वोल्ट, बी ऑप्शन है अपने पास, पेन चेंज कर लेते थे आप लोगों को भाई, ए ऑप्शन अपने को क्या दिया हुआ है 0.117 वोल्ट, बी ऑप्शन अपने को दिया हुआ है 0.00145 वोल्ट, ठीक है सी ऑप्शन अपने को क्या दिया हुआ है 0.0145 वोल्ट, एंड डी ऑप्शन अपने को क्या दिया हुआ है 1.7 × 10^-16 वोल्ट। अब किसी का आंसर निकल के आ गया हो, क्योंकि आधी तो आधा तो अपन ने सोल्व कर लिया, किसी का आंसर निकल के आ गया हो तो बता दो, ठीक है तो अपन कर सकते हैं। अब आर अपने को इक्विवेलेंट निकालना है, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा कि आर वन प्लस आर टू, आर वन क्या है इसको ऐसा करो उस पावर हटा दो और डायरेक्ट लिख दो 0.10 आगे करेंगे अपन 0.0 अपने पास 1 हो जाएगा 0.0017 सही है क्या, नहीं है 10^-3 हुआ 0.01 एक जीरो कम आएगा अपने पास, ठीक है। और फिर इसमें ऐड क्या करेंगे अपन 0.1, इसमें ऐड क्या करना है मेरे को, इसमें ऐड जो है मैं क्या कर दूंगा 0.1 में ऐड कर दूंगा, ये जो है क्या है मेरे पास यहाँ पे 0.017, ठीक है। तो क्या आ गया अगर मैं इसमें जोड़ता हूँ 0.117 ओम मेरे पास आ जाएगा, और आई क्या दिया हुआ है मेरा, आई इक्वल टू मेरा दिया हुआ है, आई जो गिवन है हमको वो दिया हुआ है 1 एम्पियर, ठीक है। तो वोल्टेज क्या आ जाएगा अपने पास 1 × 0.117 आ जाएगा अपना, जो ऑप्शन अपना क्या था, ऑप्शन में अपने को क्या दिया हुआ था, वन वाले ऑप्शन में अपने को दिया हुआ है 0.0117। लगा क्वेश्चन अच्छा, समझ में आया थोड़ा सा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बेटा देखो जब तक सोल्व नहीं करोगे ना तब तक तो फोबिया बना रहेगा कि सर कैसे करेंगे क्या करेंगे, और एक बार सोल्व कर लिया तब फिर इन्जॉयमेंट आने लग जाएगा कि कैसे उस वाली चीज़ को अपन अप्रोच कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं। अब ये तो अपन ने देखो अलग अलग टाइप के ले लिए, दो वाले ले लिए, टेम्परेचर वाले ले लिए, कुछ आगे जो है नेक्स्ट टाइप पे अपन चलते हैं, ठीक है। अब अपन ने इक्विवेलेंट रजिस्टर पढ़ा था, उस टाइप के क्वेश्चन अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे थोड़े से, ठीक है। अपने को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, देखो मैं डायग्राम बना देता हूँ आप लोगों के लिए। अपने को करंट फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है, जो अपने को गिवन चीज है वो क्या है, कैसे कोई एक अपने पास सर्किट अपने को बना के दिया हुआ है, ठीक है। वोल्टेज अपने को क्या दिया हुआ है 4.8 वोल्ट अपने को दिया हुआ है, अपने को आर ए जो है 3 ओम दिया हुआ है, आर बी जो है अपने को क्या दिया हुआ है 6 ओम दिया हुआ है। अब सर बोलोगे इतना सिंपल भी आता है, बेटा हाँ इतना ही सिंपल आता है, ये मत सोचो कि बहुत टफ सवाल आते हैं, आते इजी हैं, कभी कभी कोई लॉजिकल सवाल आ जाता है तो आप लोग कंसेप्ट अगर अच्छे नहीं है तो वहाँ पे आपकी थोड़ा सा दिक्कत आएगी। अपने को क्या करना है फाइंड आई, आई अपने को इस जगह फाइंड आउट करना है, नहीं कर सकते क्या,
1999 में आया हुआ क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा ओल्ड है पर हाँ कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है। कौन कौन इसको सोल्व नहीं कर सकता पहले ये बता दो मेरे को, और इसको सोल्व कैसे करेंगे सबसे पहले तो ये वाली बात, सोल्व सब कर सकते हैं तो फटाफट से इसको तो देखते मतलब आंसर दे सकते हो, ऐसा क्वेश्चन है ये वाली चीज़ भाई। इसको सोल्व कैसे करेंगे, आर आर इक्वलेंट निकाल सकते हो। सबसे इजी चीज़ यहाँ पे क्या है कि मेरे को आई फाइंड आउट करना है, इस पूरे में आई मेरे को यहाँ पे मेरे को आई दिया हुआ है वो मेरे को फाइंड आउट करना है। आई अपन निकाल सकते नहीं निकाल सकते बताओ, इसमें आई अपन निकाल सकते हैं बेटा। जिसका भी शीट में कोई भी डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो जो है एक बार कमेंट में लिख दो ताकि अपन शीट का भी डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे मैं इसका इक्विवेलेंट बनाऊंगा, इक्विवेलेंट में बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा, 6 ओम और 6 ओम आरबी और आरसी क्या है सीरीज में है तो ये क्या हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, और ये दोनों क्या है पैरेलल में है। तो अगर इक्विवेलेंट में बनाओ तो एक बैटरी जो है मेरे पास लगी हुई है 4.8 वोल्ट की, ठीक है, और करंट यहाँ से जा रही है आई, और मेरे पास जो है रजिस्टर। अब इन दोनों को पैरेलल में कर सकता हूँ, तो पैरेलल में जब अपन सोल्व करते हैं 1/R1 + 1/R2 कर लो, या फिर अपन कैसे कर सकते हैं R1R2/R1R+R2 12 × 3/12 + 3 क्या हो जाएगा 12 × 3/15, ठीक है, ये क्या हो गया 5 हो गया, 5 × 3 = 15 हो गया, तो 12/5 अपने पास आ गया। ये जो मेरे पास यहाँ पे रजिस्टर में लगा रहा हूँ वो क्या है R = 12/5। तो अगर करंट मेरे को फाइंड आउट करना है तो V = IR, I = V/I 4.8 / 12 × 5 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। तो अपने पास I की वैल्यू क्या है, ऑप्शन तो अपने को दिया हुआ है ऑप्शन में, वैसे भी बिना ऑप्शन के भी बंद कर सकते हैं, I की वैल्यू अपने पास क्या है 2 एम्पीयर आई। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से इसमें समझ में आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, हाँ ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये समझ में आया ना, किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है या देखना है कुछ डाउट हो इसमें तो कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। आगे अपन पढ़ते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा इसका डायग्राम एक बार देख लेते हैं। अपने को पूछा गया है व्हाट विल बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शो इन द फिगर बिटवीन टू पॉइंट्स ए और डी, ए और डी पॉइंट से बीच में अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है। ये मेरा ए पॉइंट है, ठीक है, सर्किट का ए पॉइंट अपने को दिया हुआ है, यहाँ पे अपन ने देखा, और यहाँ पे अपने को कोई पॉइंट सी दिया हुआ है, ठीक है, बीच में जो है रजिस्टर ऐसे दिए हुए हैं। हर रजिस्टर जो है अपने को कितने ओम का दिया हुआ है कि हर रजिस्टर अपना जो है 10 ओम का है। आर इक्वल टू अपने पास क्या है, जो भी रजिस्टर्स हैं वो जो है 10 ओम के हैं। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, ये 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम मेरे पास, ये भी 10 ओम मेरे पास, ठीक है, ये भी 10 ओम मेरे पास, और ये भी 10 ओम, ये 10 ओम है और ये भी 10 ओम है। अपने को क्या बताना है, आर इक्विवेलेंट बताना है बिटवीन ए एंड डी, ठीक है। ऑप्शन अपने को दिए हुए हैं, ए जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 100 ओम, बी जो दिया हुआ है अपने को ऑप्शन वो दिया हुआ है 20 ओम, सी जो दिया हुआ है अपने को दिया हुआ है 30 ओम, और डी जो अपने को दिया हुआ है वो दिया है 40 ओम। 100 ओम की जगह कुछ भी ले लो, 10 ओम भी ले लोगे, 0.1 भी ले लोगे तो उतना तो आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करोगे एक बार अप्रोच करके देखो, कैसे इस वाले को सोल्व करेंगे। ए और डी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ए और डी के बीच में क्या आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना अपन ने सीखा था, ऑप्शन तो दिए हुए हैं पर अभी पहले क्वेश्चन पे पूछा गया है, ठीक है, और अपन फिर उस चीज को बता नहीं पा रहे तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ठीक है, तो अपने को आना चाहिए वो वाली बात। तो कैसे निकालेंगे बेटा इस वाली चीज को, कमेंट में आंसर लिख के बताओ कैसे करोगे इस वाली चीज पे। आवाज आ रही है सबको मेरी बेटा, यार देखोगे तब पता लगेगा। क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी 4 पॉइंट अपने को दिए हुए हैं, और अपन से जो पूछा है वो क्या पूछा है कि इन पॉइंट के बीच में ए और डी के बीच में कहां पे ए और पॉइंट डी के बीच में अपने को क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। सबको आवाज आ रही है, क्लियर है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ए और डी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने को निकालना है,
तो क्या करो, देखो अगर आपको कभी भी ऐसा कंफ्यूजन हो ना कि जिन दो पॉइंट के बीच में अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ना, उनके बीच में एक बार इमेजिनरी बैटरी ऐड कर लो। अपन ने माना कि ये कोई वी वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से इमेजिनरी बैटरी अपन ने ऐड की। अब इसमें क्या है, करंट फ्लो करा के देखो, देखो यहाँ से करंट जाएगा, ऑब्वियसली बात ही जाएगा, यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से करंट जाएगा और यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो गया, यहाँ से तो आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा। अब क्या यहाँ से आने के बाद इस पार्ट में जाएगा, क्योंकि करंट का रूल कहता है कि वो जाएगा तो वापस आएगा, करंट सिंपल सी बात है, वो जाएगा तो वापस आएगा, अगर इसमें चला गया तो वापस तो आ नहीं सकता, कोई और पाथ तो है नहीं, तो यहाँ भी करंट जो है फ्लो नहीं होगा। और सेम एज में बात करूँ, तो यहाँ पे अगर करंट गया तो वो यहाँ भी फ्लो नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है, पाथ जो होगा या तो ऐसा होगा या पाथ फिर क्या होगा, ऐसा होगा। बात समझ में आई? तो जब भी कभी कन्फ्यूजन आए ना ऐसा कुछ, तो एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट कर लो और उसके बाद देख लो कि कौन कौन से में इक्विवेलेंट लगाना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ए और डी के बीच में अब इक्विवेलेंट लगाने की बात करूँ, तो क्या आराम से अपन देख सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं आराम से। कैसे निकालोगे, 10 ओम इक्विवेलेंट अपन रजिस्टर बना के देख लेते हैं एक बार इसका। कैसे बनाएंगे इसको, कि अब जो है ए पॉइंट ये है, ए पॉइंट अपने पास ये है, यहाँ पे लगा हुआ है रजिस्टर, एक रजिस्टर ऐसे लगा हुआ है, एक रजिस्टर ऐसे लगा हुआ है, एक रजिस्टर ऐसे लगा हुआ है और एक रजिस्टर नीचे ऐसे लगा हुआ है, और ये मेरे पास एक पॉइंट डी है। अब सारे ओम 10 ओम के लगे हुए हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे मिलके 20 ओम के, और ये दोनों 20 ओम के हो जाएंगे, और 20 क्या है, सीरीज में है, तो ये कैसा बन जाएगा पूरा डायग्राम अगर मैं बनाना चाहूँ, तो ये क्या हो जाएगा कि 10 ओम एंड 10 ओम के तीन रजिस्टर जो है अपने पास सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे ए और डी पॉइंट के बीच में। तो रजिस्टर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 ओम, जो मेरा आंसर दिया हुआ है सी। ठीक है, सिंपल था, पर थोड़ी सी इसमें एक अपने को ट्रिक जाननी थी, कॉन्सेप्ट जानना था, इस वजह से ये सवाल लिया हुआ था। ठीक है, चलो ये भी आया हुआ है 1996 में आया हुआ है क्वेश्चन, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना, क्योंकि अपन सब टाइप के एक एक टच करके देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या अच्छे आते ही नहीं आते, या क्वेश्चन आते तो कैसे आते हैं। देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, इफ सर्किट शो इन द फिगर, पहली बात तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा है कि आधे से ज़्यादा सर्किट दिए होते हैं, तो मतलब अपने दिमाग को ऐसा भारी नहीं होता कि सर्किट बनाना है, सोचना है कैसे, इसमें तो करंट अपने क्या है सर्किट दिए होते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ता जाता हूँ, एक बार आप देख रहे हैं, सर्किट शो इन द फिगर द करंट इज 4 ओम, रेजिस्टेंस इज 1.2 एम्पियर, तो 4 ओम का रेजिस्टेंस क्या है, ये अपने पास ए पॉइंट है। ठीक है, ये अपने को यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे कोई अपने को सर्किट का फिगर शो कर दिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो लगा हुआ है वो एक रजिस्टर और लगा हुआ है, और यहाँ से अपने को एक बैटरी कनेक्ट करके दे दी। ठीक है, ये सर्किट अपना पूरा हो गया। ये जो अपने पास दिया हुआ है ऊपर वाला रजिस्टर जो अपने को दिया हुआ, थोड़ा ये क्लियर कर लें ताकि अपने, ये जो अपने को दिया हुआ है ये 4 ओम का रजिस्टर दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो है अपने पास 8 ओम का रजिस्टेंस दिया हुआ है, और ये अपने पास 2 ओम का रजिस्टेंस दिया हुआ है, जिसमें करंट जो है आई अपने पास आ रहा है। टोटल सर्किट में करंट क्या है, आई है। आई वन इसको बोल सकते हो, आई वन जो 4 ओम के रेजिस्टेंस में अपने को दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1.2 एम्पियर। ठीक है, तो अपने को बोला गया है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, तो बी पॉइंट कौन सा है और सी पॉइंट कौन सा है, बी पॉइंट ये वाला है और सी पॉइंट ये वाला है। अपन इसको पॉइंट से अलग से डिनोट कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। बी पॉइंट अपने पास ये वाला है और सी पॉइंट अपने पास ये वाला है, इन दोनों के बीच में अपने को पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। कर सकते हो आराम से, कोई इसमें दिक्कत वाली बात हो तो बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं अपन इसमें। चलो बताओ कैसे निकालेंगे इसमें, भाई सबसे पहली चीज़ तो यही है ना कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, भाई मेरे पास यहाँ पे बैटरी की वोल्टेज की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो अपने पास जो दिया हुआ है वो यही दिया हुआ है, तो ये कुछ भी मान लो, वी मान लो, ई मान लो, या कुछ भी जो मानना चाहो, पर इससे क्या क्वेश्चन निकलेगा, नहीं निकलेगा, निकलेगा तो कैसे निकलेगा, अपन यहाँ पे कैसे वोल्टेज निकालेंगे। बेसिकली अपने को वोल्टेज पूछा गया है, क्या पूछा गया है अपने से, वोल्टेज पूछा गया है कहाँ पे, बी एंड सी पॉइंट पे, ये अपने से पूछा गया है। कैसे क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन को करेंगे अपन, इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है।
कैसे इस वाले क्वेश्चन को करोगे? देखो मेरे को क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में वोल्टेज देखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? मान लो V8 4 ओम, ठीक है, अपन यहाँ पे ऐसे लिखते हैं V8 4 ओम। क्या होगा? V बराबर क्या होता है? IR होता है। I मेरे को पता है कि 1.2 है और R मेरे को पता है कि 4 ओम है। तो मेरा वोल्टेज क्या आ गया, मतलब इस यहाँ पे 4 ओम पे इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या आ गया, 4 × 1.2, तो क्या आ जाएगा 4.8 वोल्ट। गलती नहीं लिखाना, सही है, ठीक। अब पैरेलल कनेक्शन है ये दोनों, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो अपन एक चीज जानते हैं कि पैरेलल में जब भी कनेक्शन ऐड होते हैं तो दोनों पे वोल्टेज बराबर है। तो वी ऑफ 8 ओम कितना है मेरे पास, वहां भी क्या होगा मेरे पास 4.8 वोल्ट ही होगा। और ये किसके बराबर है? ये है 8 × I2। अगर मैं इसमें I1 मानूं तो इसमें I2 में मान सकता हूं, ठीक है। यहां से I2 की वैल्यू क्या आएगी, I2 में निकालना चाहूं तो 4.8 / 8, क्या ये I2 आ गया, 0.6 आ गया ना भाई, अपन 0.6 एम्पीयर अपने पास। तो अगर मैं टोटल करंट निकालना चाहूं तो I क्या होगा, दोनों का समीशन होता है भाई, I यहां से गया होगा वही तो इनमें डिवाइड हुआ ना, देख सकते हो ना आराम से, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। I जहां से गया था वहीं से दोनों का ऐड हो गया, तो वो चीज अपन ने ऐड कर देंगे। तो मेरे पास करंट यहाँ पे I करंट जो टोटल क्या होगा, I1 + I2 हो जाएगा, और वो क्या है 1.2 + 0.6 इक्वल टू क्या हो गया 1.8 एम्पियर मेरे पास हो गया, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, इस जगह पे वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज एट बी एंड सी मेरे को फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, करंट मेरे को पता है, ठीक है, करंट क्या है मेरे पास कि करंट टोटल करंट क्या है 1.8, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है कि 2 ओम, तो 1.8 × 2, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 3.6 वोल्ट। ऑप्शन अपने को दिए हुए थे पर ऑप्शन लेने के मतलब नहीं है क्योंकि ऑप्शन भी यही दिए हुए हैं, 3.6 ओम, 6.3, 1.8 और 2.2, तो 3.6 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब पूछा गया है, 1994 में पूछा गया है, ठीक है। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? अच्छा था, मतलब थोड़ा सा अच्छा था, ज़्यादा अच्छा तो नहीं बोलेंगे, पर हाँ PYQ है तो देख लो, मतलब इतने हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो समझ में आना चाहिए अपने को कि कैसे इन क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन बड़े बेटा, वैसे क्वेश्चन अपन ने क्लास में किया हुआ है तो रहने देते हैं, डायग्राम में बना देता हूँ, चाहो तो करना चाहो तो देख लेना, नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं। अपन से R इक्विवेलेंट पूछा गया है, 1990 में आया हुआ है, यहाँ पे एक R रेजिस्टर दिया हुआ था और यहाँ पे एक और R रेजिस्टर दिया हुआ है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, यहाँ पे पहले हाँ ऐसे कोई रेजिस्टेंस बनाया हुआ है R, और यहाँ से वो रेजिस्टेंस R जो है यहाँ पे आ रहा है, रेजिस्टेंस R यहाँ पे है और एक रेजिस्टेंस R जो है यहाँ पे है, ठीक है, दोनों ये पॉइंट एक पॉइंट पे मैच हो रहे हैं, और उसके बाद जो है एक रेजिस्टेंस R यहाँ पे, सब R R R और वैल्यू ले लो चाहो तो 2, 4 कुछ भी, इसमें क्वेश्चन में जो है 1 ओम वैल्यू लिया हुआ है, तो ये वाला क्वेश्चन अपन ने किया हुआ है, इस वजह से इसको अपन डिस्कस नहीं कर रहे, सिमेट्री लगेगी, ये वाला पॉइंट टूट जाएगा, सिमिलर अपन R इक्विवेलेंट निकाल लें। तो ये वाली चीज़ तो अपन ने क्लास में की हुई थी, नोट्स में भी अपने इंक्लूड है, तो वहां से देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बैटरी EMF अपने पढ़ा था, उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आता है बेटा, हर चीज जो अपने पढ़ी है वो आई है एग्जाम में, तो वो वाली थी, 2 battery of 4 volt EMF उनके दिए हुए हैं, EMF of 4 volt and 8 volt with internal resistance 1 ohm and 2 ohm, ठीक है, कनेक्टेड इन अ सर्किट विथ अ रेजिस्टेंस 9 ohm एज शो इन द फिगर। तो फिगर में आपके लिए बना देता हूँ, एक यहाँ पे पी पॉइंट उसने लिया हुआ है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको अपन को बोला गया है कि ऐसा कुछ है 4 ओम की बैटरी। अब देखो इसमें यही तो अच्छी खासियत होती है क्वेश्चन जो होते हैं ना, ठीक है, ऐसा कोई सर्किट अपने को दिया हुआ है, ये 4 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है, ये जो अपने पास 1 ओम है और ये जो अपने पास है 2 ओम, ये R1 मान लो, ये R2 मान लो, ये V1 V2 मान लो। तो अपने को क्या पूछा गया है, द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q के बीच में, अपने को क्या पूछा गया है, I करंट एंड
वी ऑफ पी एंड क्यू अपने को पूछा गया है, ऑप्शन अपने को दिया हुआ है ए, ठीक है, वो क्या दिया हुआ है 3 1/3 एम्पियर एंड 3 वोल्ट। बी ऑप्शन अपने को दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है 1.6 एम्पियर। क्वेश्चन देख लो, सोल्व करके आंसर बताओ, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ आपके लिए। सी ऑप्शन अपने को दिया हुआ 1.9 एम्पियर एंड 9 वोल्ट, और डी ऑप्शन अपने को दिया हुआ है, वो जो दिया हुआ है 1.12 एम्पियर एंड 12 वोल्ट। कैसे इस वाली चीज को सोल्व करेंगे, समझ में आ रहा है? आराम से कर सकते हैं ना इस वाली चीज को सोल्व, 9 ओम यहाँ पे रेजिस्टेंस अपने को दिया, ठीक है। कैसे करोगे इसको, सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, ई निकाल लो और आर निकाल लो, ठीक है। और वी इक्वल टू आई आर निकालोगे, जिसमें आंसर अपने पास आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं ई इक्वलेंट की बात करूं, कि अपन जानते हैं कि अगर दोनों की पोलरिटी सेम होती तो इक्वलेंट अपन ऐड कर देते, पर इसमें क्या है, अपोजिट है, तो 8 वोल्ट माइनस अपने पास 4 वोल्ट इक्वल टू ई इक्वलेंट अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, 4 वोल्ट आ जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस की मैं बात करूं, आर इक्वलेंट में बात करूं, टोटल में 9 ओम 2 ओम 1 ओम क्या है सीरीज में है, तो टोटल क्या होगा 9 and 3 12 ओम अपने पास आ जाएगा। अगर I करंट की मैं बात करूं, I इक्वल टू वी बाई आर, या यहाँ पे क्या कर देंगे 4 upon 12, तो क्या हो जाएगा 1.3 एम्पियर अपने पास आ गया अपने पास 1/3 एम्पियर। पहली चीज़ तो ऑप्शन में 1/3 केवल इसी में दिया हुआ है, तो अपने को आंसर वैसे ही सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। फिर भी अपन से क्या पूछा गया है, P और Q पॉइंट अपने को कहाँ पे दिया हुआ है देख लेते हैं। Q पॉइंट अपने को यहाँ पे दिया हुआ है, तो P और Q के बीच में अपने को वोल्टेज पूछा गया है, तो वोल्टेज अपन निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे वोल्टेज भाई, वोल्टेज दो तरीके से निकाल सकते हो। अब देखो इसमें, या तो इन दोनों का वोल्टेज लेके इसमें से करंट डिफरेंस निकाल लो। एक बार बताओ, इन दोनों इस लाइन पे जितना वोल्टेज होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ होगा, बात तो बराबर ही है ना। तो वी ऑफ पी क्यू अपन कैसे लिख सकते हैं, आई इंटू आर, और आई मेरे पास क्या है 1/3, आर क्या है मेरे पास 9, रेजिस्टेंस कितना है 9, तो मेरे पास क्या हो गया कि 3 वोल्ट जो है मेरा आंसर आ गया, तो पहला वाला आंसर मेरा करेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हो बेटा, और आगे किसी को कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकता है, ठीक है। शीट में कहीं कोई डाउट था क्या आप लोगों का, शीट एक बार डिस्कस कर लेते हैं, वरना शीट फिर बोलोगे सर शीट रह गई। डीपीपी शीट किसी में भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, कमेंट में लिख के बता सकते हो, ठीक है। बाकी शीट में मेरे को वैसा कोई दिखा नहीं स्पेशल वाला कोई ट्रीटमेंट वाला, अगर आपका डाउट नहीं है तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, और डाउट है तो पूछ लो कमेंट में लिख दो। नहीं है क्या कोई भी डाउट, समझ में आया करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो फिर नहीं है तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं। कोई भी डाउट रह जाए फिर भी पूछ सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। तो ये चैप्टर यहीं के लिए इतना ही है, और शीट प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से पढ़ो इस वाले चैप्टर में, देखो क्वेश्चन आता है बकायदा, और इजी टॉपिक है। अगर क्वेश्चन आपको मतलब स्कोर गेन करना है ना तो ये टॉपिक कवर करके जाओ, इजी टॉपिक है, आराम से कर सकते हो इसमें स्कोरिंग, ठीक है। और अब जो है अपन मैग्नेटिज्म चालू करेंगे, अभी तक अपन क्या कर रहे थे कि अपन स्टेबल था चार्ज स्टार्टिंग में वो पढ़ा, अब यहाँ पे जो अपने पास एक्सेलरेशन था वो कॉन्स्टेंट था, पर अब क्या होगा वेलोसिटी चेंज होगी, उसमें एंगल अपन देखेंगे, तो वो मैग्नेटिज्म में अपन पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट चैप्टर अपन मैग्नेटिज्म चालू करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, एंजॉय करो बेटा, है ना।